नगर इंडिया न्यूज से आपका साथी। आज हम खड़े हैं महाबू रोड के मावल चेक पोस्ट पर, जो कि एक अंतर्राज्य सीमा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर अंतर्राष्ट्रीय जो ये अंतर्राज्यीय सीमा है, यहाँ पर पुलिस की कड़ी तमाम कोशिश है कि किसी भी तरीके से अवैध जो मादक पदार्थों की तस्करी है उसके ऊपर रोकथाम लगाना है। प्लस और जो भी मतलब लोकसभा चुनाव को देखते हुए पैसों का आदान प्रदान जो होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक पार्टी से दूसरे पार्टी या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, उसकी पूर्ण रूप से रोकथाम करने के लिए जो कानून व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वाहन को रुकवाया गया है जिसकी सघन तलाशी यहाँ पर स्थानीय पुलिस के कार्मिकों द्वारा ली जा रही है। महाबू रोड की दिशा से आ रहा था और वापस गुजरात जाने की गुजरात की तरफ जा रहे हैं। इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं तो थोड़ा देखते हैं कि काफ़ी वाहन आ रहे हैं जिनको यहाँ पर चेकिंग के लिए रोका जा सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 2024 के मद्देनज़र रखते हुए अभी पहुँचे हैं गुजरात के अमीरगढ़ चेक पोस्ट पर, जो कि एक अंतर्राज्यीय सीमा है जो कि राजस्थान और गुजरात को जोड़ती है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी जो बॉर्डर की सीमा है वहाँ पर भी इन्हें सघन तलाशी दी जा रही है। तमाम गाड़ियाँ जो है यहाँ से पार हो रही है, जो जिनकी सघन तलाशी यहाँ पे जो गुजरात पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा दी जा रही है। इसी क्रम में आप आगे देखते हैं कि किसी प्रकार से मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अवैध शराबों की परिवहन ना हो इस वजह से देखते हुए लोकसभा चुनाव के दरमियान यहाँ पर काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है कि जो वाहन राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं उनको रुकवा कर उनकी सघन तलाशी दी जा रही है। हर एक गाड़ियों को रुकवा कर यहाँ पर तलाशी ली जा रही है, जैसे पिकअप भी है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, कंटेनर है, छोटी गाड़ियाँ हैं, कार है, जो पर्यटक है उनको भी किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो उनकी भी सुविधाओं को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हर एक गाड़ियों को सिस्टम के तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। अभी एक गाड़ी और आई है जो कि रुकवा कर इनकी तलाशी ली जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या है, कैसा है, किस प्रकार से क्या लोकसभा चुनाव के जो आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए यहाँ पर गाड़ियों को रुकवा कर सघन तलाशी अभियान जो चालू किया है गुजरात पुलिस के द्वारा, उसके अनुसार तमाम गाड़ियों को रुकवा कर तलाशी ली जा रही है। किसी प्रकार से शराबों का परिवहन ना हो, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी ना हो उसकी रोकथाम के लिए हर एक गाड़ी को एवं यहाँ पर दुपहिया वाहन चालकों को भी रोक कर तलाशी ली जा रही है। किसी प्रकार से कोई भी अनहोनी चीज, ऐसी वस्तु जिससे जो नियमों का उल्लंघन करती हो, राज्य सरकारों के नियमों का उल्लंघन करती हो, तो तस्करी की रोकथाम के लिए यहाँ पर अमीरगढ़ चेक पोस्ट पर भी सघन तलाशी अभियान जारी है। देवनगरी इंडिया न्यूज से मैं लोकेश सोनी, महाबू रोड।